हम सब अपने फेवरेट कलर को, फेवरेट मूवी को, फेवरेट सॉन्ग्स को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डीपर जाएं तो हम अपने आप को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना हम सोचते हैं हम जानते हैं। एंड दैट इज वेयर सेल्फ अवेयरनेस कम्स इन। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने आप के इमोशंस, अपने रिस्पॉन्सेज, अपने रिएक्शंस, हमारे थॉट्स सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हम लाइफ से चाहते क्या हैं। और ये जाना क्यों जरूरी है, क्यों हमें सेल्फ अवेयर होना जरूरी है? ऑफ कोर्स सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी इन अदर पीपल ऑल्सो, बट ये आपको बेटर इक्विप भी करती है लाइफ के प्रॉब्लम से डील करने में। सेल्फ अवेयरनेस होने से आपको ये भी पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कैसी लाइफ चाहते हैं, एंड नॉट जस्ट बिल्डिंग अ लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। और आप अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेज में भी बदल पाते हैं। इंस्टेड ऑफ इमोशंस कंट्रोलिंग योर एक्शंस एंड रिएक्शंस, आप पहले से समझ पाते हैं कि कोई ट्रिकी सिचुएशन लाइफ की आपको कैसे परेशान करेगी और उस परेशानी के बाद आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने आप को और अच्छे से कैसे जान सकते हैं ताकि हमारी सेल्फ अवेयरनेस का बार ऊपर बढ़ सके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी और आज हम बात कर रहे हैं कि हम और सेल्फ अवेयर कैसे हो सकते हैं। तो चलिए बिना फर्दर डिले किए पहला स्टेप जानते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें हमारे फिजिकल बॉडी से बहुत ट्यून में आना पड़ेगा, तभी हम थोड़े बेटर सेल्फ अवेयर हो पाएंगे। हमारी खुद की फिजिकल बॉडी से हम ट्यून में कैसे आ सकते हैं? जब भी आपको कोई भी डिसकंफर्ट फील हो, इमोशनली भी, जब भी कोई आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, या फिर आपकी वो एक नॉर्मल जो स्टेट है, जो हैप्पीनेस या काम वाली स्टेट है, वो बिगड़ के आपको कुछ ऊपर नीचे लग रहा हो, तो आप एक मोमेंट लें, टेक अ ब्रेक, और उस ब्रेक में फील करें कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है। क्या ये तकलीफ सिर्फ इमोशनल है या फिजिकल भी है? आपकी बॉडी में आपको कहाँ टेंस लग रहा है, कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मसल्स बहुत टेंस हैं, अभी मेरे शोल्डर्स रिलैक्स नहीं है, या फिर मेरे हार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भारीपन है। ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, और जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आप ये सोचिए या ये जानिए कि ये फीलिंग के जस्ट पहले हुआ क्या था। क्या किसी का कोई ऐसा मैसेज आया था? क्या किसी ने मुझे कुछ बोला था? क्या मैंने खुद ऐसा कुछ सोचा था जिसकी वजह से मैं इस नेगेटिव स्पाइरल में चली गई हूँ? ये जानने की कोशिश करिए, एंड दैट्स योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा स्टेप है कि आप एक जर्नल रखें, रोज एक जर्नलिंग की हैबिट डाल लें, जिसका मतलब है कि आप एक नोटबुक रखें अपने पास जिसमें आप अपने थॉट्स अनरिस्ट्रिक्टेड लिख सकें। जर्नलिंग एक ऐसी हैबिट है जिसमें आप जितना भी ओवरवेल्म फील करते हैं, जितना भी ग्रीफ, जितना भी स्ट्रेस फील करते हैं, उसको आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से या अनऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकते हैं, अपने से बाहर ला सकते हैं, पेपर पे ला सकते हैं। इट ऑब्वियसली मेक्स यू फील बेटर अबाउट वट एवर यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल नॉन जजमेंटल वे टू प्रोसेस कि आपके इमोशंस एक्चुअली हैं क्या, आपके थॉट्स एक्चुअली हैं क्या उस समय और इन जनरल। तो ट्राई करें कि एक नोटबुक अपने पास रखें अपने बेड साइड पे या फिर अपने वर्क स्टेशन पे, जिसमें आप रोज एक 10-15 मिनट निकाल के लिख सकें अपने थॉट्स और अपने दिन के बारे में। तीसरा स्टेप है कि आप अपने ड्रेन्स और पिक मी अप्स को आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब यह है कि हम सब दिन भर में कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं वो या तो हमें एनर्जाइज कर देती हैं, हमें बहुत खुश और यू नो मोटिवेटेड फील कराती हैं। जैसे कि मेरे लिए व्हेनेवर आई मीट न्यू पीपल, या फिर अपने फ्रेंड से ही मिलती हूँ, मैं किसी से भी मिलती हूँ, तो मैं बहुत एनर्जाइज हो जाती हूँ। उसके बाद मैं बहुत ही मोटिवेटेड फील करती हूँ, मुझे काम करने का मन करता है, मुझे बहुत कुछ करने का मन करता है। तो आई एम अ रियल सोशल बटरफ्लाई, ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो वो मेरा पिक मी अप है। और कुछ ऐसे होते हैं एक्टिविटीज जो आपको एकदम ड्रेन कर देती हैं,
मतलब आपसे आपकी एनर्जी छीन लेती है, मोटिवेशन छीन लेती है, इंस्पिरेशन छीन लेती है, ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? मेरे लिए वो एक्टिविटीज हैं क्योंकि मैं सोशल बटरफ्लाई हूँ और मुझे लोगों के आसपास रहना बहुत पसंद है। मेरे लिए जो ड्रेनिंग एक्टिविटी है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरी लड़ाइयाँ, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो जब भी वो होते हैं मेरे दिन में या मेरे आसपास भी किसी और के बीच में भी, तो वो मेरे से मेरी मोटिवेशन छीन लेते हैं। तो आप भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपको एनर्जाइज करता है और क्या आपसे आपकी एनर्जी छीन लेता है। चौथा पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन गेट यू सो डीप इनटू योर ओन थॉट्स कि आपको एक सेल्फ अवेयरनेस का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब यही नहीं कि आप अपने थॉट से एकदम दूर हो जाएं और एकदम ही शांत होके बैठे रहें, कुछ ना सोचें। जब आप मेडिटेट करना पहली बार शुरू करेंगे, तब फर्स्ट फ्यू डेज या वीक्स आपके साथ यही होगा कि आपके डीपेस्ट थॉट्स, जो आप यूजुअली दूसरे टाइम पे नहीं सोच पाते, वो धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। तो मेडिटेशन से आपको अपने आप के बारे में जानने मिलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ से। और इवेंचुअली जब आप मेडिटेशन को मास्टर कर लेंगे, तब आप उन चीजों से अलाइन भी हो पाएंगे कि कैसे मैं अपने आप को मेरे डिजायर्स, मेरे नीड्स से अलाइन कर सकती हूँ। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, पिक्चर योर परफेक्ट डे। अकॉर्डिंग टू यू, आपका परफेक्ट डे कैसा दिखना चाहिए? आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या फील करना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं? आप उठने के बाद किससे बात करना चाहते हैं, किससे बात नहीं करना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, इतनी छोटे छोटे डिटेल्स भी पिक्चर करिए। और उसके अलावा गो डीपर एज वेल, आप दिन भर क्या फील करना चाहते हैं, आप जब ऑफिस जाते हैं तो व्हाट इज दैट इमोशन यू वुड लव टू हैव? क्या आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, क्या आप लव्ड फील करना चाहते हैं, क्या आप एक्साइटेड मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं? ये सब समझिए, आप अपना परफेक्ट डे डिजाइन करिए, लिखिए परफेक्ट डे के बारे में। और तभी जब आपको अपना परफेक्ट डे पता होगा, तभी तो आप उसे डिजाइन कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे आगे चल के, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो चीजें जो आपको और कॉन्फिडेंट और लव्ड और एक्साइटेड फील कराएंगी अपने पूरे दिन में। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी टू हैव। आप अगर सेल्फ अवेयर हैं तो लोग भी आपके आसपास जो होंगे, जो द यूनिवर्स, द काइंड ऑफ पीपल दे विल सेंड यू विल ऑल्सो बी पीपल जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, जो खुद भी सेल्फ अवेयर हैं, और वो आपके प्रति भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल होंगे। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ हमारे लिए, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी। तो आई होप ये वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया कि आप कैसे सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने आप को कैसे और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज लेट मी नो कि आप और कौन से वीडियोस हैं जो चाहते हैं इस चैनल पे हम बनाएं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।